इस साल भी जब रंग भरी एकादशी का दिन आने वाला था, काशी के लोग भगवान शिव और माँ पार्वती की काशी नगरी में विशेष पूजा के आयोजन की तैयारी कर रहे थे। हमारे पूर्वज कितने वर्षों से माँ पार्वती के गौने की तैयारी करते आए हैं। पूरी काशी के लिए ये कितना मोहक दृश्य रहेगा। हम सब काशी के लोगों के लिए कितने गर्व की बात है। हाँ भैया, हमारे पुराणों में लिखित है कि महादेव का विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। उसके पश्चात विवाह के बाद फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन महादेव माता पार्वती का गौना करवाकर उन्हें काशी के रास्ते से ले जाते हुए कैलाश पर पहुंचे थे। उस समय बसंत का मौसम था और हर तरफ माहौल खुशनुमा था। ऐसे में महादेव के भक्तों ने माता पार्वती का स्वागत रंगों और गुलाल से किया था और उन पर रंग बिरंगे फूलों की वर्षा की थी। तब से ये दिन भक्तों के लिए खास हो गया भैया, इसलिए आज भी इस दिन पर काशी नगरी में माता पार्वती के गौने की रस्म बड़ी धूमधाम से निभाई जाती है। कहते हैं कि इस दिन रात्रि काल में शिव एवं पार्वती काशी नगरी में भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूरी कर उनके जीवन में खुशहाली लाते हैं। वहीं धरती लोक पर भगवान शिव और माँ पार्वती के गौने की बात हो रही थी। उधर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर भक्तों की बातें सुन रहे थे और आपस में उस विषय पर वार्तालाप कर रहे थे। स्वामी, इनकी बातें सुनकर मुझे अपने विवाह के वो सुनहरे दिन, वो सुनहरे पल याद आ गए जब आप मुझे गौना कराने आए थे। उस दिन रंग भरी एकादशी का दिन था और बसंत का मौसम था। हाँ प्रिय, उस दिन सभी देवताओं ने हमारा स्वागत रंगों और गुलाल से किया था। हम पर रंग बिरंगे फूलों की वर्षा की थी। हमने हर जन्म एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया। उस दिन आपके साथ मैंने अपनी वैवाहिक जिंदगी का सफर शुरू किया और हमने नए जीवन की शुरुआत की। मैं तुम्हें काशी के रास्ते कैलाश लेकर आया। उसी काशी में आज भी गौने की तैयारियां चल रही हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक दूसरे के साथ बातें की। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के सभी पलों को साझा किया, पर अचानक उनके वार्तालाप के बीच कैलाश डोलने लगा। प्रभु, ये कैलाश पर्वत अचानक हिलने डुलने क्यों लगा? लगता है कोई विपत्ति आने वाली है। देवी, काशी के भक्त मुझे याद कर रहे हैं, मेरा नाम पुकार रहे हैं। लगता है मेरे भक्तों पर कोई विपत्ति आई है। भगवान शिव और माता पार्वती धरती लोक की तरफ देखते हैं। तुम सब में से कोई नहीं बचेगा। वो शिव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम उसकी पूजा नहीं करोगे, मैं तुम्हें उसकी पूजा नहीं करने दूंगा। इस काशी नगरी में शिव की पूजा नहीं होगी। वो मेरा पुराना बैरी है। उसने मेरे सभी पूर्वजों को मार गिराया। अब मैं उससे अपने पूर्वजों का बदला लेना चाहता हूँ। तुम सब ये पूजा पाठ बंद करो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। हे शिव शंकर, हमारी रक्षा करो। ये राक्षस हमें मार देगा। ये हमें आपकी पूजा नहीं करने दे रहा, जबकि ये काशी तो आपकी नगरी है। यहाँ पर आपका पूजन होना चाहिए। हमें बचाओ प्रभु, ये राक्षस हमारी पूजा में विघ्न डाल रहा है। हम इतने वर्षों से आपकी पूजा करते आए हैं, आपके गौने की तैयारी करते आए हैं, पर ये राक्षस सब कुछ उजाड़ रहा है। हमें बचाओ प्रभु। तुम्हें क्या लगता है मैं उस भस्मधारी शिव से डर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी अब तक तो मेरी गर्जना से वो कब का कैलाश की किसी पहाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गया होगा। अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तुम सब शिव भक्तों का अंत कर दूंगा। प्रभु कुछ कीजिए, नहीं तो ये राक्षस आपकी काशी नगरी को उजाड़ देगा, बर्बाद कर देगा। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा कीजिए, आपकी काशी खतरे में है। मेरे होते हुए मेरी काशी और मेरे भक्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देवी, मैं इसे अपने तीसरे नेत्र से अभी भस्म कर दूंगा। मेरे क्रोध की अग्नि इसे जलाकर भस्म कर देगी। अपने भक्तों को संकट में देखकर भगवान शिव क्रोध में आ जाते हैं। वे अपने भक्तों के बीच प्रकट होते हैं। सभी भक्त हाथ जोड़ खड़े थे। भगवान शिव जैसे ही अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, नेत्र में से एक अग्नि उत्पन्न होती है और उसकी ज्वाला में वह राक्षस जलकर भस्म हो जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती पर फूलों की वर्षा होने लगती है। सभी काशी के भक्तों के लिए तो ये बहुत सौभाग्य का अवसर था, क्योंकि साक्षात भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन हो रहे थे। शिव जी माँ पार्वती के साथ अपने धाम कैलाश लौट जाते हैं।
शिव जी और माँ पार्वती बहुत प्रसन्न थे कि उन्हें अपनी काशी अपने भक्तों के बीच फिर से उन सुखद पलों का आनंद लेने का अवसर प्राप्त हुआ जो आनंद वे प्रतिवर्ष महसूस करते थे।